हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल प्लांट नॉलेज पर मोस्ट वेलकम। आइए फ्रेंड्स, आज आपको मैं तीन वैरायटी के बारे में बताता हूँ जो मेरे पास हिबिस्कस की हैं, यानी गुड़हल की। आइए अब आपको मैं इनके पास लेकर चलता हूँ। इसकी मैं प्रूनिंग करूँगा आज, इस पर फूल नहीं आ रहे हैं और इसकी काफ़ी लंबी लंबी टहनी हो रही हैं। देखिए, आपको दिख गई होंगी कितनी लंबी लंबी टहनी हो रही हैं। इसकी मैं प्रूनिंग करूँगा। हिबिस्कस आ रहा है, देखिए कितना प्यारा लग रहा है, रेड कलर का है ये। और यह है हिबिस्कस रोज़ा, इसमें कुछ रोग आ रहा है, इसके पत्ते मुड़ रहे हैं। आपको दिखाता हूँ मैं, इसकी दवाई होगी इस पर, उसे मैं करेंगे जब करूँगा आपको बता दूँगा कैसे करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, कितना अच्छा हो रहा है मेरा ये पौधा तीनों। मैंने सोचा कि आज आपको तीनों हिबिस्कस की वैरायटी दिखा दूँ जो मेरे पास हैं। बाकी ये कहते हैं कि गमले में फूल नहीं आते। देखिए, मेरे 6 इंच के गमले हैं तीनों, और तीन हैं इन पर, तीनों पर गुड़हल के फूल आते हैं। देखिए, आपको दिख भी रहा होगा सामने ही। ये देखिए, मैंने कोई टहनी या फूल नहीं लगाया है, आपको इसे अच्छे से दिखाता हूँ मैं। ये खुद ही आ रहा है, देखिए ये जॉइंट है और ये गमले में लगा हुआ है। ये लगभग मैं सर्दी में लेकर आया था, इसको कुल 6 महीने हुए हैं। 6 महीने में इस पर 2-3 फूल आ गए हैं। इसकी वजह से अब काफ़ी बढ़ गया है, इतना ये छोटा सा पौधा था। अब इस पर और फूल आएंगे तब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। इस पर भी फूल आए थे लेकिन ये अब ये काफ़ी दिन हो गए, लगभग 1 साल इस पर फूल नहीं खिल रहे हैं। इस पर कोई रोग आ गया है, मैंने अभी ध्यान दिया है। मैंने अपने प्लांट्स में रख रखा था तो आज इत्तेफाक से मैंने इस पर ध्यान दे दिया। ये काफ़ी ख़राब हो रहा है मेरा पौधा। और एक ये है जो मैंने कटिंग से ग्रो किया था, आपको इसकी वीडियो मैंने पहले भी दे दी थी। ये देखिए, मैंने कटिंग लगाई थी तो ये काफ़ी अच्छा पौधा हो गया है। ये 3 साल का है, इसको हिबिस्कस बोलते हैं। पिंक कलर का है, हिबिस्कस पिंक है ये। और इसे मैं अच्छे से इसे कटिंग करूँगा। ये देखिए, मैंने पहले भी कटिंग की थी, आपको दिख गई होगी है। और अब भी देखें, अब भी देखिए कितनी लंबी हो गई है, करी थी जो, देखिए यहाँ पर की थी मैंने कटिंग। और इसकी दोबारा से मैं कटिंग करूँगा, आपको दिखा दूँगा। वो देखिए वहाँ पर की थी। आइए फ्रेंड्स, अब हम इसकी कटिंग करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, हम इसको बोनसाई बनाएंगे तो इसलिए मैं इसकी कटिंग कर रहा हूँ, काफ़ी हार्ड प्रूनिंग करूँगा। ये देखिए, इतनी लंबी मैंने टहनी काट दी, हार्ड प्रूनिंग ही करनी चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, देखिए ले गई थी इसको, मैंने हार्ड प्रूनिंग कर दिया है। देखिए फ्रेंड्स, मेरा पौधा ऐसा दिख रहा है। इसको मैं अलग हटा रहा हूँ, दूसरे पौधे को रखता हूँ। इसको मैं इस यहाँ से रिमूव करूँगा, ये काफ़ी बुरी हो रही है। फ्रेंड्स, मैं इसकी सिर्फ पत्ती पत्ती हटाऊँगा क्योंकि इस पर मैं एयर लेडिंग करूँगा। ये देखिए, मैंने उस रोज़ की कितनी हार्ड प्रूनिंग की है, कितने सारे टहनी निकाल दिए हैं। शुरू में आपका दिल दुख सकता है बट आपका पौधा बहुत अच्छा हो जाएगा इस प्रूनिंग के बाद। अब देखिए, मैं इसको यहाँ पे एक एयर लेयरिंग कर दूंगा, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, इन तीनों को, क्योंकि ये मेन ट्रंक रहेगा हमारा। मैंने इस पर बहुत दिन से ध्यान नहीं दिया था बट अब इसे ध्यान देना होगा तब ये पौधा अच्छा होगा। इसको मैं अच्छे से दिखाता हूँ, इसकी भी मुझे हार्ड प्रूनिंग करनी होगी लेकिन अभी ये बहुत अच्छी फूट कर रहा है इसलिए मैं इसको छोड़ दूंगा, वरना इसकी प्रूनिंग यहाँ से करनी होगी तब बहुत अच्छा चलेगा ये। वैसे मुझे ब्रांच भी निकालनी होगी, देखता हूँ कैसे निकालते हैं, बट अभी ये बहुत अच्छी ग्रोथ कर रहा है इसलिए मैं इसकी ग्रोथ चलने दूंगा। उसके बाद मैं इसे अगले साल या 6 महीने बाद इसकी जब हार्ड प्रूनिंग करूँगा तो आपको अच्छे से वीडियो दिखा दूंगा। ये देखिए, मेरा हिबिस्कस का पौधा कितना अच्छा लग रहा है। मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।